हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं बना रहा हूँ बहुत बढ़िया वाली तहरी, तो उसे खाकर जरूर बताना आप कैसे खा सकते हो। तो मैं टेस्ट करवाऊंगा मम्मी को, देखते हैं कैसा लगता है। तो इस बार कुछ नए तरीके से तहरी बनाता हूँ। और आलू को भाई देख सकते हो, थोड़ी सी पुड़िया हो गई है। तो आलू पुड़िया काम करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज तहलकेदार ऑमलेट बनाऊंगा, तहरी बनाऊंगा। लिखा था अपना प्याज और आलू कट चुका है, तो शुरू करते हैं भाई। तो लेट्स डू इट। और ये भाई अपना गैस है, मेरा नए वाले गैस पे पहले खाना बनाऊंगा मैं। तो इसको ऐसे ऑन करेंगे, ये जल गया ये। तब आप सोच रहे हो भाई तहरी बना रहा हूँ कढ़ाइयों से बनाऊंगा। नहीं गाइस, कुछ नए तरीके से बनाऊंगा। तो देखते रहो भाई, इस वीडियो पे बने रहो, देखो मैं कैसे बनाता हूँ एकदम अपने तरीके से। इट्स अज्जू स्टाइल। चलो बनाते हैं। तो गाइस, जब तक ये पक रहा है उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ भाई, कभी कभी मम्मी लोगों को रेस्ट भी देना चाहिए। तो मैं सोचा चलो आज मैं बनाता हूँ, कुछ अलग तरीके से बनाता हूँ, देखते हैं मम्मी को पसंद आता है कि नहीं। अगर नहीं पसंद आया तो गाली खाऊंगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज कर देना। 815-814 सब्सक्राइबर के ऊपर बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ। 1K सब्सक्राइबर कब होंगे मेरे, करवाओ जल्दी करवाओ। तो तब तक ये पक जाए। ये देखो फाइनली हमारी सब्जी हो चुकी है, अब बस चावल पकना बाकी है। तो फाइनली गाइस, देखते हैं हमारा चावल कैसा हुआ है। तो भाई गाइस देख सकते हो भाई, बहुत तगड़ा बनने वाला हमारा चावल। देखो हमने देख लिया, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, एकदम बासमती राइस की तरह एकदम बना, एकदम तगड़ा एकदम। तो गाइस ये देखो अपना तहरी यहाँ पर रखा है, कुछ नया। मम्मी खा के बताइए कैसी बनी है। नमक कम है, सोंदा सोंदा लग रहा है कि नहीं, अच्छा बना है कि नहीं, नमक डाल लेंगे। अच्छा बना है, नमक नहीं है, बहुत बिगड़ गया, कम है नमक, कम हो गया इसमें भाई। तो खा के सो गया, छोटा भाई है। अच्छा कितनी सुंदर फोटो है। मम्मी आप बताइए, मम्मी आप, मम्मी बर्तन मांजे तो बता दे, बर्तन अब बर्तनों मांजे, बनाए भी खिलाए भी बर्तनों मांजे, खाए के बाद चल बैठे नहीं जाते। आज पूछा मत, क्या भाई हाँ बोलो भाई। खाना तो मैं अच्छा बनाया था, लेकिन पसंद इसको नहीं आया तो मैं क्या करूँ। अब तो खड़े ही रहेगा। तो हेलो गाइस, अभी शाम का वक्त हो गया है भाई, अभी चल रहे हैं मोटर ब्लॉक करने। तो चलते हैं जल्दी से मोटर ब्लॉक करते हैं और हेलमेट पहनते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे आ गए हैं और हमारे साथ है आज अभिषेक। पीछे भाग गया, पूरी मुंडी घुमानी पड़ रही भाई। तो चल रहे हम लोग अरेल थोड़ा सा, आज बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉग करने कोशिश किया भाई। तो चलो करते हैं भाई और इस जर्नी को शुरू करते हैं। अभी सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग के सिर्फ दो ही वीडियोज़ आ पाए हैं, तो चलो चलते हैं भाई, तीसरी वीडियो बनाते हैं, कुछ मस्त मसाला वाली वीडियो मिल जाए बढ़िया तो मज़ा आ जाए। तो चलो चलते हैं भाई, गाड़ी में पेट्रोल है कम, तो देखते हैं इतने पैरेलल चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अब ये फ्यूल अप करवाएगा भाई। मेरे पास पैसे नहीं है ये साला, देख रहे हो भाई लोअर टी शर्ट वाले चप्पल, जैगो जॉर्डन की लोअर पहना है जो की कीमत 50,000 रुपये। नकली जॉर्डन लास्ट कॉपी। इतनी फोटो शूट तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया आठ। बैठो मेरी जान, सुपर बाइक नहीं है तो क्या हुआ, सुपर से कम नहीं है। तो गाइस हम लोग निकल गए रेल के लिए और अभी हम लोग जस्ट कॉटन मिल को पार करते हाईवे पे आ गए हैं। तो चलो भाई निकलते हैं हम लोग रेल। और भाई आज दो दिन से जो गर्मी कम पड़ रही है, तो भाई आंधी भी चल रही है और आज मैं, ओ माई गॉड, लगता है मैं राइडर बन चुका हूँ। चलो भाई निकल गए, अब यहीं से निकालेंगे ये। अबे तो राइडिंग के लिए चक्कर में घुस गया ना दिया रे, बड़ा लाइक ही नहीं हुआ। गाइस रोड तो चौड़ी हो गई,
नालियां बनी चुकी हैं, अजय काफी रोड चौड़ी होगी। ओ माय गॉड, तो गाइस हम लोग आ गए हैं अरेल, और यहाँ पे इतनी गिट्टी वालू पड़ी है कि ऐसा लग रहा है उठा ले चले घर, एक कम से कम घर में काम आई। देख रहे हो भाई कहाँ कहाँ तक मंदिर बने थे, पूरी मंदिर तोड़ के इसको समेट दिया गया, पूरा फैला दिया गया, पूरा मस्जिदों को भी तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया। अरे भैया योगी के सामने सब सेम है, ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू। मीठी लगे मुझे तेरी पतियां, याद में जगूं तेरी सारी रतियां। तो गाइस ये देखो पूरी गंगा नदी सूख गई भाई, पूरी गंगा जी सूख गई, इस कदर गर्मी पड़ी कि पूरी गंगा जी सूखी हुई है। देख रहे हो बीच में डॉटेड दिख रहे हैं आपको, पूरी गंगा जी सूखी हुई है। देखो मैं जूम भी करता हूँ, पूरी गंगा जी सूखी हुई है। हो सके तो पैदल भी जा सके आदमी, आराम से पैदल निकल जाए आदमी, पैदल हो जाए भाई आराम। गंगा जी इतनी मतलब इतनी गहरी है क्या, लेकिन ऊंचा पानी रहता है, मतलब तुम जाओगे तो बालू रहता है ना धस जाएगा। अच्छा अभी मतलब धस जाएगा ये है, नहीं अभी तो सूखा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर गाइस इतनी गर्मी की वजह से अब गंगा जी घट गई, लेकिन अब जब बारिश होगी तब आप देखना गंगा जी बढ़ेंगी और बड़े वाले हनुमान जी को नहलाएंगी। तो चलते हैं भाई आपको दिखाते हैं महर्षि मंदिर। दिल की लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना ओ सजना ओ सजना ओ सजना। अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, अभी खुली नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। जब खुल जाएगी सोचो कितने श्रद्धालु आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। दुख तेरी तरसे अगिया, दिल की लगी बनी दिल लगिया। देख लो भाई दूर से देख लो कितना बना है ये, अधिक बन गया भाई, बहुत ज़्यादा बन गया है। चलो चलते हैं भाई, कितना देख सकते थे अब अंदर नहीं जाएंगे। चलो गाइस वापस चलते हैं, बहुत हो गया भाई, मोटर ब्लॉग थोड़ा करने के लिए निकले थे, थोड़ा मनोरंजन हो गया। और देखा यहाँ तो भाई गंगा जी ही सूखी पूरी पड़ी हुई है, ये कैसे हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलते हैं भाई जल्दी से घर, हम यहाँ पर हंसी नहीं करते, बेबी अफवाहों पे यकीन नहीं करते। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अरेल भाई, और मेरा हेलमेट ये रखा है तो हम बोले चलो अरेल भी चल लेते हैं। और देख सकते हो भाई पूरा मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, अभी अरेल में पूरा काम चल रहा है। 2025 में अभी जो महाकुंभ होने वाला है उसके लिए पूरा काम चल रहा है। तो और ये देखो भाई आपको जो इतनी देर से बता रहा था मैं, गंगा जी पूरी सूख गई भाई गर्मी के कारण, देख सकते हो बहुत ज़्यादा यार ये हो चुका है। और उस साइड पानी है देख सकते हो, इस साइड हल्का फुल्का, इस साइड मतलब है काफ़ी पानी है, लेकिन इस साइड पूरा पानी सूख गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस हिसाब से। नखरे नवाबी और सब यहाँ वाकिफ है, आंखें गुलाबी और भाई तेरा आतिफ है, कर देंगे पानी और एक्स उसका माचिस है, फंसना है मुझे अगर तू करे साजिश है। What's up? वो बोलते डिवाइन, तुझे स्लो पीना पसंद है, टर्न वाटर टू वाइन, तेरे पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन।